Hello everyone, I am Shanta Narayan, your SEO trainer and coach. So today I am here with a new topic and इससे पहले हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, पुरानी वीडियोस आप जाके देख लीजिए. मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी प्रॉपर गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के ऊपर, प्रॉपर ऑन पेज के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया है कैसे ऑन पेज करना है. तो ये वीडियोज आप पहले जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए और ऊपर आई बटन में भी आपको वीडियोज के लाइक सजेशन मिल रहे होंगे, वो वीडियो आप चेक कर सकते हो. सो टुडेज टॉपिक इज फोर पिलर टू रैंक अ वेबसाइट. हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं या एसईओ करते हैं तो उससे पहले आता है यूआई यूएक्स, इसलिए इसको मैंने फर्स्ट नंबर दिया है. यूआई यूएक्स क्या होता है? मैं आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रही हूँ और आपका नेविगेशन अच्छा नहीं है, और या मुझे स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा स्क्रॉल है, पेज स्पीड अच्छी नहीं है. सो बेसिकली आई कैन से टेक्निकल एसईओ वाला पार्ट, वो सारा हम यूआई यूएक्स में कवर करते हैं. तो पहला पिलर क्या है? यूआई यूएक्स एक्सपीरियंस. आपकी वेबसाइट का यूआई यूएक्स अच्छा होना चाहिए. दिस इज अ बेसिकली चेकलिस्ट. तो जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट लेते हैं या नई जॉब पे जाते हैं तो ये बेसिक थिंग्स है जो आपको पहले चेक करनी है, फिर ऑप्टिमाइज़ेशन को करते रहना है. दिस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस एक्चुअली. सो सेकंड आता है कंटेंट. उस वेबसाइट पे कंटेंट है या नहीं, उन पेजेस पे कंटेंट है या नहीं जिन पेजेस का आपको एसईओ करना है. और एसईओ जब भी स्टार्ट करते हैं तो एक तो ब्लॉग वाला सेक्शन आता है, एक होता है जो भी प्रोडक्ट पेजेस हैं या नेविगेशन है उन पेजेस का कंटेंट आता है. तो सारा कंटेंट आपको चेक करना है. उसके बाद आता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन. जो एग्जिस्टिंग सारा कंटेंट पड़ा हुआ है वेबसाइट पे उसको ऑप्टिमाइज करोगे. ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की वीडियो ऑलरेडी मैंने एक बनाई हुई है, वो आप जाके चेक कर लीजिए. उसमें आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, क्या इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, H1 टैग कैसे यूज करने हैं, वो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है अगर आपको ऑन पेज सीखना है तो. एंड फिर आता है ऑफ पेज और लिंक बिल्डिंग. ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग के लिए भी मैंने गेस्ट पोस्टिंग वाली एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं, वो लास्ट वीक ही अपलोड की है. तो उसके बाद ये चारों चेकलिस्ट अगर एक बार आपकी पूरी हैं तो आपको जस्ट अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है कीवर्ड बेस पे. दिस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस. इवन यूआई यूएक्स में भी क्या होता है ना, आपको एरर्स आते रहते हैं अगर आप एसईएम रश टूल यूज कर रहे हो या कोई भी फ्री टूल यूज कर रहे हो. अदरवाइज नहीं तो गूगल वेबमास्टर में भी यू कैन सी कवरेज में आपको पूरा एरर्स वगैरह दिख जाता है कि आपकी वेबसाइट पे क्या एरर्स है. तो ये एक बेसिक फोर पिलर्स हैं जो हम कभी भी एसईओ स्टार्ट करते हैं या वेबसाइट बिल्ड करते हैं तो नॉर्मल क्लाइंट को सजेस्ट करने के लिए कि ये चारों चीज़ें आप पहले चेक कर लीजिए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इससे रिलेटेड मोर वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपने आइडियाज़, वॉट एवर आइडियाज़ यू गाइज हैव. इवन इफ़ यू गाइज हैव एनी टॉपिक जहाँ पे आप स्टक हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा वो एसईओ में, तो वो भी मैं वीडियो पूरा बना दूंगी. प्रैक्टिकल नॉलेज वाला वीडियो भी आई कैन क्रिएट. आप बस मेरे को टॉपिक बताइए कि कहाँ पे आप स्टक हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी.